जयपुर ग्रामीण के सांभर लेक में विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। यहाँ फ्लेमिंगो, ब्लैक विंग, सैंड पाइपर आदि प्रजातियों के पक्षी पहुंच रहे हैं। सर्दी की शुरुआत में सुदूर ठंडे प्रदेशों से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर फ्लेमिंगो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील में बसेरा करते हैं। पक्षी प्रेमियों का कहना है कि इस बार सर्दियों में पिछले साल की तुलना में ज्यादा प्रवासी पक्षियों ने सांभर झील का रुख किया है। सांभर एसडीएम सुमन चौधरी ने बताया कि जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग, वन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के करीब 10 टीमें झील पर दैनिक मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने बताया कि रोग से प्रभावित पक्षियों को रेस्क्यू कर उपचार भी किया जा रहा है। इवन सांभर सॉल्ट लिमिटेड से टीमें बना के और इनकी जैसे 19-20 में जो कैजुअलिटी हुई थी, इस तरह का दोहराव ना हो, इस बाबत अपन एक कमेटी बना के और सभी डिपार्टमेंट को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप के और फील्ड में तैनात कर दिया है। सांभर में सबसे ज़्यादा प्रजाति अभी जो है नॉर्दर्न शावलर और इसके अलावा 7 तरीके की डक्स की है, जिसमें से कॉमन टील, स्पॉट बिल डक और ये सारी स्पीशीज है। इसके अलावा कई तरह की छोटी चिड़ियाँ हैं, जैसे कैंटिश प्लोवर, स्मॉल प्रेटीन कोल्स और इनके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। इसके अलावा रफ्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, वेडर्स इस बार कई ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, और इसके अलावा 2 तरह के फ्लेमिंगोज यहाँ पे आते हैं, लेसर और ग्रेटर्स, जिनका भी नंबर काफ़ी है। तो झील क्षेत्र में अभी अनुमानित जो पक्षियों की संख्या है वह लगभग 3.5-4 लाख के आसपास है।